वट सावित्री पूजा का पर्व हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इस साल 6 जून को वट सावित्री पूजा का व्रत पूरे देश भर में रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना लिए निर्जला व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं। लेकिन क्या कुंवारी कन्याएं भी वट वृक्ष की पूजा आराधना व्रत रखकर कर सकती है या नहीं, जानते हैं देवघर के ज्योति सचार जी। वट सावित्री पूजा जून के महीने में मनाई जाएगी। इस पूजा में सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु उम्र की कामना करते हैं। तो क्या वट सावित्री पूजा कुंवारी कन्या भी कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्या विधि रहना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। वट सावित्री व्रत जो है वह सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। तो वट सावित्री का मतलब है, वट का मतलब होता है साक्षात शंकर जी का पूजा करना। तो वह व्रत जो है सर्वप्रथम सावित्री ने किया था, इसलिए उस वट के साथ सावित्री का नाम जुड़ा हुआ है। अब जो महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं, तो इसमें रही बात कुमारी कन्या वही कर सकती हैं जिसका विवाह में अड़चन हो रहा है। यदि विवाह में अड़चन हो रहा है या विवाह लग करके छूट रहा है, तो वह कन्या उस दिन शंकर भगवान की मान करके व्रत रखने का नियम नहीं है, वह व्रत नहीं रख सकती है। व्रत नहीं रखे लेकिन अपने पति की कामना से, अपना विवाह मेरा जल्दी हो ऐसी कामना को लेकर के कि दीर्घायु पति मिले, उस दिन वट की पूजा कर सकती है। पूजा करने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा होती है उस वृक्ष में। इसलिए कुमारी कन्याएं जिनका विवाह में विलंब हो रहा है वह पूजन कर सकती है।